सरेआम गोंडा शहर में बड़ी वारदात से सनसनी। सरेआम गोंडा शहर में बड़ी वारदात से सनसनी। सिरफिरे युवक ने जमकर मचाया तांडव, अपने ही परिवार पर तलवार से हमला, तलवार से भाभी को उतारा मौत के घाट, माँ और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। बचाने आए पड़ोसी पर भी तलवार से हमला, हमले में घायल चार लोग अस्पताल में भर्ती, दो की हालत बताई जा रही है नाजुक। हत्यारोपी सिरफिरा मौके से फरार, मौके पर एसपी, एसएसपी और सीओ, नगर और देहात कोतवाली की फोर्स मौके पर मौजूद। शहर के पॉश इलाके आवास विकास कॉलोनी की घटना। डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की न्यूज। क्षेत्र का आवास विकास मोहल्ला है, वहाँ पे हत्या की वारदात हुई है, क्या है इसमें पूरा मामला? नगर कोतवाली के जनपद गोंडा के थाना नगर कोतवाली में आवास विकास कॉलोनी में आज एक पंकज यादव द्वारा उनकी सगी माँ की भाभी और दो भतीजों पे एक धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें उनकी माँ और दो बच्चे घायल हैं और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई है। तुरंत घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस अधिकारी और फील्ड यूनिट मौके पर जाकर के जो भी वहाँ पे हमको एविडेंस मिले हैं उन सबको हमने कलेक्ट किया है। इसके अलावा अभियुक्त की तलाश करने के लिए हमारी चार टीमें बना दी गई हैं जो अलग अलग जगहों पर अभियुक्त की तलाशी कर रहे हैं, और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या पड़ोसी भी घायल हुए, उनको भी चोट वोट आई है? जी, जो जानकारी में आ रहा है कि जब इनके घर में यह घटना हो रही थी उस समय जो शोर हुआ उससे पड़ोसी जानकारी करने के लिए गए तो पंकज यादव द्वारा पड़ोसी पे हमला करके फिर वहां से मौके से फरार हो गया। सर, कुल कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने लोग? तीन लोग घायल हैं और एक व्यक्ति, एक उनकी भाभी की मृत्यु हो गई है। सर, बच्चे की दृष्टया क्या निकल के आ रहा है कि इनके जो ये हमले की क्या वजह है और उसकी स्थिति क्या थी, उसने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया? देखिए, जो घायल हैं एक बार वह ठीक हो जाते हैं तो उनसे पूछताछ करके हम आपको ठीक आज क्या कारण रहा है जिस वजह से यह घटना हुई है इसके बारे में बता पाएंगे। बाकी थोड़ा सा जो उनके पारिवारिक किसी चीज़ को लेकर के आपसी कोई ना कोई इसमें समस्या रही होगी, ऐसा पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि पंकज यादव अक्सर शिकायत करते थे कि उनके घर वाले उनकी शादी नहीं करवा रहे हैं और कुछ इस तरह के उनके कारण बताए जा रहे हैं आस पड़ोस के लोगों द्वारा। सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य साफ प्रकाश में आएंगे आप सब लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सर, बच्चे की जबान भी काट ली है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में आपको पूछना।